अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में आओ आए हा इशायो आओ आए हा फरहा औरंगज़ेब। बुलेटिन में सब खबर एक नज़र हेडलाइंस पे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत हेठ कौमी सलामती कमेटी जो इजलास जारी। इजलास में मुआशियाई मुल्क की सलामती की सूरत हाल से गौर विचार। दहशतगर्दी खिलाफ़ फैसलाइती कार्रवाई की मंजूरी जो इम्कान। इजलास में सियासी अस्करी क्यादत की शिरकत। गुजन इदारन जा सरबरा इजलास में ब्रीफिंग दे रहा है। इतलाउ के सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमर पंजाब असेंबली में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाने थे। पीटीआई अगवान फवाद चौधरी के कानूनी नोटिस मोकलने जो ऐलान कर छो। चवे तो फवाद चौधरी मथस बेबुनियाद इल्ज़ाम मढ़िया कें भी एमपीए या एमएनए सा राबतो ना। इंतजार करें तो कदें मथस केस दाखिल कराइन था, पा वही पेश थो। पीटीआई कौमी इदारन उन्होंने सरबराहन खिलाफ़ वावेला कही रही है। कूड़ा इल्ज़ाम न लगाया वन हॉर्स ट्रेडिंग कर पीटीआई जो कम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकरारी ट्वीट केस में गिरफ्तार पीटीआई अगवान। सेनेटर आजम सवाती की जमानत वारी दरख्वास्त मंजूर करे वरती। आजम सवाती के 2 लाख रुपये जा मचलका जमा कराने जो हुक्म। सेनेटर आजम सवाती की जमानत वारी दरख्वास्त बुधनी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर फारूक कई। इलेक्शन कमीशन जो इस्लामाबाद में मकानी चूंडू जल्द कराने जो फैसलो। 8 जनवरी ते तालीम खाते की पोलिंग अमली जो मोकलू खत्म थी। पोलिंग लाइ 10 जनवरी की तारीख ते गौर। हतमी तारीख जो तयन चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुशावरत बात कंदो। तहरीके इंसाफ के अगूणे अगवान फैसल बाबडा की खाली पियल सेनेट की जनरल सीट ते 25 जनवरी ते सिंध असेंबली में वोटिंग थी। इलेक्शन कमीशन तरफा जारी कल शेड्यूल मुताबिक सेनेट की सीट लाए नामजदगी फार्म 5 से 7 जनवरी ताई जमा कराए सकबा। नामजदगी कागजन की छणछाण 12 जनवरी ते थी। नामजदगी फार्म 20 जनवरी ताई वापस वठी सकबा। एमक्यूएम जो मौकफ इलेक्शन कमीशन आडो रखो है। इलेक्शन कमीशन जो फैसलो कंदी उन ते अमल कंदासीं। आसिफ अली जरदारी की सदारत हेठ इजलास रिथियल है। वडी वजीर सैयद मुराद अली शाह जो सेवण में मीडिया से गालियों संदस चवण है तो मुआशी मसला मुश्किल फैसला करना पवंदा। असो इम्पोर्ट बिल वधी वो है, असा सभी के पंजो किरदार अदा करणो पवंदो। वजीर आजम तरफा कुछ वफाकी वजीर कराची आया हुआ जिनसा असांजी गजाणी थी। यकीन है तो वजीर आजम वट तजुर्बेकार टीम है। मलेशिया की बेहतरी में सूबन का जेतरी मदद घुर्जे असा करण लाए तैयार आयूं। तकबंदी के मामले ते पीपल्स पार्टी के फैसलो करण पवंदो। तकबंदी के मामले ते बिलावल भुट्टो जरदारी आसिफ अली जरदारी सां भी गालायो आहे। अख्तियार न हुजण वारो रिंगट भी बंद थियण घुर्जे। सिंध के गवर्नर कामरान टैसोरी जू लाहौर में मीडिया से गालियों चवे थो कराची के डोहारी जो शहर बणजण न डींदासीं। गुजरियल साल असां केतरनि चैलेंजेस के मुंह डिनो। सियासी मुआशी समाजी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती है। उम्मीद है तो अज मईशियत समाजी इस्तेहकाम सियासी मामलों बाबत फैसलो थो। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद जो ट्वीट चवे तो वजीर आजम शहबाज शरीफ मुआशी बुहरान जो एतराफ़ कर रो है। 15 जनवरी से एमक्यूएम की भी खबर पेजी वी। थारू शाह वेझो दरबेले के कच्चे वाले इलाके में 3 महीनों का कलहोड़ा चांडिया बरादरी के बिंदुरियन में खूनी तकरार में ठापुर आई। पुलिस अहलकार शहीद थी वो। हथियारबंदों जो एपीसी ते हमलो रॉकेट लॉन्चर फायर थियण सबब भागुदेरो थाने जो अहलकार मेहरदीन मशहूरी शहीद थी वो। धुरियन में फायरिंग जो सिलसिलो हलंदड़ पुलिस बेवस बणियल। पुलिस वाक्य वाले हंध ते वञण का लाचारी जाहिर करे छी। एसएसपी जो चवण है तो एपीसी चेनू न होजण करे पुलिस नथा मोकले सकूं। रहवासियन मुतालबो कियो आहे तो वडो वजीर आईजी सिंध मामले जो नोटिस वठी अमन बहाल कराए।
करूंडी वेझो ब्रादरी तकरार ता मार्जी वेल पैमरा डायरेक्टर असलम हिस्बाणी जे कतल जे शक में पीपी फेसगंज तालुके जे अगूणे सदर फकीर नजीर हिस्बाणी समेत सत जवाबदार गिरफ्तार। एसएसपी खैरपुर जी हिदायतुन ते पंज डीएसपीस ते बदल टीमुन कार्रवाइयों कयूं। मकतूल असलम हिस्बाणी जो मड़ मिटी और माओ हवाले हर अख आली संदस जनाजे नमाज दरगाह खुश खैर मोहम्मद हिस्बाणी में अदा कई वही। पैमरा ऑफिसरन सियासी समाजी अगवाणन मिट माइटरन इलाके वासन के जनाजे नमाज में शिरकत। सिंध में अटे जो बहरान संगीन थी वो अटे के अघ में गाठरे टोड़ वाद खिलाफ सारी सिंध में शहरी सियासी समाजी धुरियों सरापाई एहतजाज। कराची हैदराबाद मीरपुर खास शहीद बेनजीराबाद लाड़काने सखर डिवीजन के नंढन वन शहर में अटे के लिए एहतजाजी मुजाहरा धरना। मिठी दड़ो मटियारी खैरपुर पीर जो गोड़ जैकबाबाद बेन शहर में रैलियों कढ़ी धरणो हो। शहर जो चवण है तो अटो महंगो थियण सबब हु फाकाकशी जो शिकार थी वह। हुकूमत की अपील है तो अटे के अघन में लाख आंदी वे। बुलड़ी शाहकरीम में जानियुन की भरल सुजुकी ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर के नतीजे में फोतिन जो अंग सत थी वो। खुशियों मातम में तब्दील थी व्यू। फोतिन के घर में रोज राड़ो मतल। फोतिन जा लाश नारा जेल हैदराबाद लग जमाली गोठ आंदा व्या हर अख आली। हाला वेझो खूह की खोटराई दौरान मिट्टी की भिक किरण सबब टे मजदूर दबजी फौती व्या। गोठ सईद खान लगारी में दबजी वियल मजदूरन में एजाज असद दावन लगारी के क्रेन जरिए बेहोश की हालत में बाहर कढ़ी अस्पताल पहुंचाया वो जिथे डॉक्टर टिन्न जणन के फौत थियण की तस्दीक कई। टंडूअला यार भरसा कुबे स्टॉप ते वापडा मुलाजिम रबडिनो मिर्जत कार के टक्कर में हयाती विञाए वेठो। मिठियाणी के मलिक पाड़े में ट्रैक्टर ट्राली हेठा अची बाड़ो तनवीर मलिक की बारची फोत थी वो। कराची के इलाके लांडी में पुलिस और रेंजर्स की गडियल कार्रवाई टे जवाबदार गिरफ्तार। गिरफ्तार थियल जवाबदार में शकील उर्फ काला तारिक जमील ए शहजाद शामिल। रेंजर्स तर्जुमान जो चवण है तो जवाबदार के कब्जे में हथियार ए फुर थियल मोटरसाइकिलों हथ कई व्यून। गिरफ्तार जवाबदार भत्ताखोरी अगवा ए फुर की वारदात में मुलवस। कोहिस्तान में बरसातुन खा पोए मलेरिया बीमारी ते जाप्तो न अची सघ्यो। वधीक एक जणो फोतिन जो अंग 75 थी वियो। गोठ मीरल सुनहरियो में पीरल सुनहरियो मलेरिया सबब फोत थी वियो। कोहिस्तान जे डोराहन इलाइकन में कायम पीपीएचआई सेंटर बंद पियल। सेहत खाते मुख्तलिफ बीमारियों ते जाप्तो आणण लाए के भी जोगा उपाव न वरता। रानीपुर में टोल प्लाजा भरसा कौमी शाहरा ते वेट स्टेशन अमले ट्रॉलर ड्राइवर में टैक्स मामले तां झेड़ो एक ड्राइवर जख्मी। वाके खिलाफ ट्रॉलर ड्राइवर जो कांटे इंतजामिया खिलाफ कौमी शाहरा ते धरणो। जीएसपी मोटरवे की खातरी का ट्रॉलर ड्राइवर धरणो खत्म करे छोड़ो।